जय श्री राम। ज्ञान, बुद्धि, शिक्षा, योग्यता, भाषा शैली या कह सकते हैं जीवन में जो भी काम हम अपनी बुद्धि से निर्णय से करते हैं, चाहे वो शिक्षा हो, व्यापार हो, नौकरी हो या जीवन के कोई भी निर्णय हो, उसका बुध ग्रह से सीधा संबंध बनता है। हम बहुत हिसाब से, बहुत लॉजिकली और बहुत मोटे तौर पर देखें तो बुध मतलब बुद्धि, और जहां पर बुद्धि ठीक प्रकार से काम कर रही हो वहां पर जीवन में अवश्य ही फायदा मिलता है, और जहां बुद्धि भ्रमित हो रही हो, मलिन हो रही हो, कुपित हो रही हो, ऐसी स्थिति में आपके निर्णय गलत होते हैं। आज हम ऐसे ही ग्रह के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है बुध, मरकरी। इस ग्रह का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। अब तक ये ग्रह मकर राशि में गोचर कर रहे थे, लेकिन अब ये ग्रह कुंभ राशि के अंदर गोचर करेंगे। तो सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि बुध आखिर है क्या। कि जो लोग अकाउंटेंसी का काम करते हैं, जिनका काम बोलचाल से संबंधित है, कॉमर्स से संबंधित काम है, लेखा जोखा है, वो व्यापारी हैं, किसी भी तरीके का व्यापार करते हैं, पैसे का आदान प्रदान करते हैं, खेल से संबंधित काम है, स्पोर्ट्स से संबंधित काम है, शिक्षा विभाग में है यानी एजुकेशन से संबंधित कोई काम करते हैं, लोगों को सिखाते हैं, टीचर हैं, बोलने से संबंधित काम करते हैं, जहाँ पर पैसे का लेन देन बहुत ज़्यादा होता है, जिसको हम कहते हैं स्टॉक मार्केट, इसका भी जो कारक ग्रह है वो बुध ग्रह ही कहलाता है। यानी अगर आपका कोई भी काम इस तरीके से संबंधित है तो आपके ऊपर इसका प्रभाव अन्य राशियों के मुकाबले ज़्यादा पड़ता दिखाई देगा। ये बुध ग्रह इस बार शनि के राशि में आएंगे और ये अपने आप में बहुत खास है। वैसे तो बुध हर महीने राशि बदलते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जब शनि स्वराशि के होंगे तब बुध ग्रह उस राशि में वापस आते हों। तो ये अपने आप में खास स्थितियां यहां बन जाती हैं कि बुध जिसको हम व्यापार कहते हैं, शनि जिसको हम कर्म भी कहते हैं, बुध व्यापारी है, बुद्धि है बुध, इसलिए व्यापार और बुद्धि का एक साथ होना अब कुछ खास लेकर आपके लिए जीवन में आ रहा है। इसी चीज को मैं आपकी राशि के अनुसार बताऊंगा कि आने वाले समय में, क्योंकि 20 फरवरी 2024 को ये राशि परिवर्तन होगा, 7 मार्च तक राशि परिवर्तन रहेगा। किसी भी व्यक्ति के जीवन में कुछ खास होना, कुछ बढ़िया होने के लिए तो कहते हैं कि जी मिनट 2 मिनट भी काफ़ी हैं, और यहाँ तो ये ग्रह 20 फरवरी से 7 मार्च तक आ रहा है, यानी कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी राशि के लिए बेटर हुआ ही है। तो उसी प्रभाव को बड़े विस्तार से हम देखेंगे कि इस दौरान आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव। अगर आपको बुध से संबंधित या शनि से संबंधित दशा अंतर या प्रत्यंतर चल रही है तो ये ट्रांजिट आपके लिए और ज़्यादा खास हो जाता है। साथ ही साथ बुध इस दौरान धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में भी गोचर करेंगे, यानी अगर आपका जन्म इन 3 नक्षत्रों में हुआ है तो भी ये आपके लिए ज़्यादा खास गोचर रहने वाला है। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, शतभिषा राहु और पूर्वाभाद्रपद गुरु का नक्षत्र है, यानी कहीं ना कहीं मंगल, राहु और बृहस्पति के गुणों को भी ग्रहण करते हुए बुध इस दौरान गोचर करते दिखाई देंगे। तो अब हम देखेंगे कि ये जो ट्रांजिट आपके जीवन में आने वाला है ये आपके लिए क्यों खास है, जीवन के किस पहलुओं पे ये आपको क्या दे सकता है, आपकी राशि से ये ग्रह कहाँ किस भाव में बैठ गया, किन ग्रहों के साथ बैठ गया, कहाँ का मालिक होकर बैठ गया, किन ग्रहों से युति संबंध बनाया, वो सब कुछ बड़े ही विस्तार से मैं आज आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से सुने, अंत तक सुने, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको भविष्य में भी ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहे। अब आप देखते हैं कि आपकी राशि है मिथुन, और मिथुन राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आपके लिए सबसे पॉजिटिव क्या है कि ज्योतिष के नियम, गोचर के नियम कहते हैं कि जो आपकी राशि का मालिक है वो ब्रह्मांड में बलि होना चाहिए अगर आपको रिजल्ट चाहिए। अब हमारे लिए तो ये एक डबल बेहतर स्थिति है कि हम जिस प्लेनेट के बारे में बात कर रहे हैं वो हमारी राशि का ही मालिक है, यानी ये बुध का परिवर्तन आपकी राशि के लिए अन्य राशियों के मुकाबले और ज़्यादा खासम खास हो जाता है, क्योंकि बुध कौन है, आपकी राशि का मालिक है, और हम इसी राशि के मालिक को खोज रहे हैं कि भाई अगर ये गोचर में अच्छा हो जाए तो हमें फायदा हो जाए। हमने देखा कि बुध अब तक राशि से अष्टम में चल रहा था, और अष्टम भाव अड़चन, दुविधा और परेशानी का भाव है, यहाँ पर खिंचावट होती है, यहाँ पर मेहनत फल नहीं देती, यहाँ पर कहीं ना कहीं कामयाबी कम मिलती है, एफर्ट्स ज़्यादा लगते हैं,
अब काम ऐसा हो जाए कि एफर्ट्स कम लगें और हमारा काम भी होता चला जाए, तो उसके लिए प्लेनेट बली होना चाहिए। सबसे पहले आप देखिए कि बुध आपकी राशि के मालिक हैं, बुध हैं राशि के मालिक, यानी यहाँ से यश मान सम्मान हम देखते हैं, आपका स्वास्थ्य देखते हैं, कार्य करने की क्षमता देखते हैं, जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता देखते हैं, ये हमें बुध ग्रह से आती है क्योंकि आपकी राशि का मालिक। ये 3 नंबर की राशि है जिसको हम वायु तत्व राशि कहते हैं, यानी ऐसे लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा कुछ चलता रहता है, ऐसे लोग बैठे बिठाए बहुत बढ़िया योजना बनाते रहते हैं, बैठे बिठाए इनको योजना का काम दे दो, यानी ये लोग उन कार्यों में पक्के होते हैं जिनमें मानसिक मेहनत ज़्यादा हो, शारीरिक मेहनत नहीं, मानसिक मेहनत ज़्यादा हो, उस काम में ऐसे लोग ज़्यादा परफेक्ट होते हैं। कि आप इनको बता दो कि मेरे पास इतने रुपए हैं, उसके लिए आपको फटाफट योजना बना देंगे, जितना बड़ा पैसा उतने बड़े प्रोजेक्ट बना देंगे, क्योंकि इनके पास ऐसी योग्यता होती है। इसलिए ये लोग ऐसे फील्ड में भी बहुत कारगर होते हैं, जो सारे फील्ड मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताए ना, मैंने बहुत लोग देखे हैं मिथुन राशि मिथुन लगन के, जो कहते हैं जी हमारा काम सिर्फ बुद्धि काम, बैठे बैठे काम करते हैं, शरीर उनका कैसा भी होगा, कोई बहुत मोटे हो जाते हैं बैठे बैठे, लेकिन काम इतना होता है पूरे दिन के, दिमागी काम बहुत करते हैं। चौथे घर का मालिक है बुध, भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सुख साधन का स्वामी है बुध, कहाँ बैठा है 9th हाउस में, कि अब मेरी राशि का मालिक 9th में चला गया। 9वां घर धर्म का भाग्य का है, हायर एजुकेशंस का है, संतान का भी है, क्योंकि ये पंचम से पंचम है, ये दशम से द्वादश है, इसलिए इस दौरान क्या हो सकता है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो सकती है, इस दौरान पढ़ाई आगे बढ़ सकती है, इस दौरान अगर कोई भी विचार ऐसा है कि मैं पढ़ने के लिए बाहर जाऊं तो मैं आपका काम यहाँ हो जाएगा, क्योंकि ये दशम से द्वादश है, यानी कि इस दौरान आपकी यात्रा दिखाई देती है, इस दौरान आपकी यात्रा दिखाई देती है, वो भी प्रोफेशनली यात्रा, कि मैंने नौकरी के लिए या काम के लिए या व्यापार के लिए मुझे अचानक से मेरी कंपनी ने बाहर भेज दिया, या मैं खुद व्यापार के लिए टूरिंग लगाने चला गया या बाहर चला गया, क्योंकि शनि नवमेशों के नवम भाव में बैठा है, भाग्य का मालिक भाग्य ही भाव में बैठा हो और वहां पे बुध आए हो, तो इससे सुंदर लक्ष्मी योग नहीं होता। शास्त्र कहता है जब 159 के मालिक 159ों में ही बैठ जाएं तो ये लक्ष्मी योग है। इसमें कहते हैं कभी कभी बिना श्रम किए हुए भी पैसा आता है, क्योंकि भाग्य साथ दे गया, ये लक्ष्मी त्रिकोण के मालिक हैं, ये आपस में कनेक्टेड हो गए कि जी मैंने इस दौरान इतना संघर्ष किया नहीं जितना मुझे फायदा हुआ, या मैंने जिस काम में हाथ डाला, जिस काम में मैंने बुद्धि लगाई, वहां से मुझे फायदा मिल गया, ये 9th हाउस में बुध का रिजल्ट है, क्योंकि ये दोनों प्लेनेट है यहाँ से बैठ के 3rd हाउस को देखते हैं। इसलिए 3rd हाउस क्या है, क्रिएटिविटी है, कम्युनिकेशंस है, लोगों से संपर्क है, छोटी यात्राएं हैं, तो वो भी आपको फलीभूत होंगी। अब चौथे घर का मालिक हो गया यहाँ, यानी भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में फायदा, कोई भी काम आपका पेंडिंग अगर चल रहा है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, कुछ भी है, तो वो आपका यहाँ फलीभूत होता दिखाई देता है, तो वो एक पॉजिटिव स्थितियाँ हमें यहाँ क्लियर रूप से दिखाई दे रही है। कि बुध अगर यहाँ पे आता है तो ये यहाँ का मालिक होके भी पूर्ण रिजल्ट देगा, यहाँ के भी रिजल्ट देगा, और 9th हाउस में बैठ के 9th के भी रिजल्ट देगा, यानी बुध वो ग्रह हो गया आपके लिए कि अब सफलता दूर नहीं। इसको हम क्या कहेंगे कि अब सफलता दूर नहीं, कि हम इस दौरान जो काम करेंगे उस काम में हमारी सफलता निश्चित है, क्योंकि राशि का मालिक भी बली हुआ और ये वही राशि का मालिक है जिसके गोचर की हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। यानी बुध का राशि परिवर्तन, बुध का कुंभ राशि में गोचर होना कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतर परिणाम देने के लिए तैयार है। मिथुन राशि के जातकों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी इस दौरान सॉल्व होती दिखाई देंगी। जय श्री राम।